प्रदेश भर में नवरात्रि की तैयारियां चल रही है। सीकर में भी नवरात्र को लेकर जोरदार तैयारियां जारी हैं। शहर में दुर्गा प्रतिमाओं को बनवाने के लिए बंगाल से विशेष मूर्तिकार बुलवाए गए हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शरद नवरात्रि के पूजन में पूरा शहर भक्तिमय है। शहरवासियों में नवरात्र के लिए सबसे आकर्षक दुर्गा प्रतिमाओं की होड़ है। इसके लिए बंगाल से विशेष मूर्तिकार बुलाए गए हैं। ये 5 महीने पहले ही भोपाल से सीकर आ गए थे। कारीगर 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। खास बात ये है कि प्रतिमाओं के निर्माण के लिए ये अपने साथ कोलकाता की मिट्टी भी लेकर आए हैं। मूर्तिकार दुर्गा माँ की प्रतिमाएं बनाने के लिए मिट्टी बंगाल से ही लाते हैं। मूर्तिकारों का मानना है कि प्रतिमा में फिनिशिंग सिर्फ वहीं की मिट्टी से आती है। कई कारीगर इसके लिए कानपुर से भी खास तरह की मिट्टी मंगवाते हैं। मूर्तिकार राजू ने बताया कि इस बार 100 मूर्तियां बनाने का टारगेट है। इसके लिए 11 मूर्तिकार बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए एक मूर्तिकार ने बताया कि कोई माता रानी बनवाते हैं तो कुछ दरबार बनवाते हैं। ऐसे ही कई अलग अलग रूपों के एक एक साल पहले इसके लिए ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ये पिछले 25 सालों से कोलकाता से हर साल सीकर की दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए आते हैं। मूर्ति बनाने सीकर में 4 महीना हो गया जरा। मूर्ति बनाते हम लोग प्योर मिट्टी का, घास मास का, पीपी का कुछ नहीं है। हम लोग का जो बनेगा मूर्ति पूरा मिट्टी का बनेगा, पीपी का बात ही नहीं है। और मूर्ति ज़्यादा नहीं बनाते हम लोग, हिसाब से बनाते हैं, 100 बस बनाते हैं साल में, इसी में हम लोग का हो जाता है। और लेबर जो लेके आते हैं 10-20 लेबर लेके आते हैं, उसका सब लेके काम करते हैं रातों भर। शहर वासियों में माता पर सजे आकर्षक और महंगे आभूषणों का क्रेज बढ़ा है। कई लोग मूर्ति से ज्यादा आभूषणों पर खर्च करते हैं। शहरवासी हजारों की मूर्ति को लाखों के गहनों से सजवाने का ऑर्डर देते हैं। खास बात ये है कि माता को केवल कोलकाता से लाए गए आभूषण ही चढ़ाए जाते हैं। बनाने में तो इनको कारीगरों को समय काफी लगता है, 3-4 महीने से आ जाते हैं लोग, यहाँ पर ही कार्य करते रहते हैं। और हम लोग 2 महीने पहले इनको बोल देते हैं। और वैसे इनको क्या है, हम रोज ले जाते हैं हर साल, तो इनको पहले कुछ कहना नहीं पड़ता है। मोबाइल से हमको फोन भी करके दे देते हैं कि भाई आपका मूर्ति तैयार है, क्योंकि हर साल करते हैं उनको तो। और जो एन वक्त पे लेने आते हैं उनके लिए तो काफी भारी पड़ता है। शहर में कई जगह मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत 10,000 से लेकर 1,00,000 तक है। यहाँ आसपास के जिलों से भी लाखों के ऑर्डर आते हैं। ऐसे में सीकर में करीब 2 करोड़ का मूर्तियों का कारोबार हर साल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन।